अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल कुकिंग विद किड्स। आज हम बना रहे हैं कीमा हरी मिर्चें, ईद की स्पेशल डिश। ईद का मज़ा दुबाला करें इसके लिए हमें 1 किलो बछिया का कीमा चाहिए। आप किसी भी ले सकते हैं, बकरे का हो या बछिया का हो, बड़े का हो या छोटे का हो, किसी का भी आप ले सकते हैं। इसके लिए मुझे 12 अदद हरी मिर्चें, 2 बड़े टमाटर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक चाहिए और 2 टेबलस्पून मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए और 3 मैंने बारीक स्लाइस में काटी हुई प्याज है जिसे हम लाल कर देंगे। इसे हमने लाल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर 1 किलो कीमा है मेरे पास, ये मेरा फ्रीज था, मुझे ज़रा जल्दी थी तो मैंने इसको डीफ्रीज नहीं होने दिया, मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। यहाँ पर हमारी प्याज लाल हो गई है, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया, अपने सारे मसाले डाल दिए और इसको मैं 5 मिनट तक भूनूंगी। जब इसके मसाले की अच्छी से भुनाई हो जाएगी फिर उसके बाद मैं कीमा डाल के और पानी उसमें ज़्यादा डाल के इसको ढक दूंगी तेज़ आंच पे, ताकि कीमा जल्दी खुल जाए। जब कीमा खुल जाएगा अच्छे से, फिर हम इसकी 10 से 15 मिनट के लिए, बल्कि मैंने इसकी भुनाई करी थी इतनी कि इसकी स्मेल जो है गोश्त की ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छे से भुन जाए। जब ये अच्छे से भुन चुका था, इसमें से पानी खुश्क हो गया था, तो मैंने टमाटर को कट करके वो ऐड कर दिए थे और फिर मैंने उसको गलने के लिए रख दिया था टमाटरों को। जब टमाटर गल गए थे, उसका पानी खुश्क हो गया था, उसको मैंने अच्छे से 2-3 मिनट तक भून के फिर मैंने दही को फेंट के फिर वो ऐड कर लिया था। ये बहुत आसान और बहुत झटपट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें मैं दही ऐड करूंगी 1/2 प्याली, ये मैंने फेंट लिया था। इसके अच्छे से जब देखें दही बिल्कुल इसमें से नज़र नहीं आ रहा, पता भी नहीं चला कि दही डाला था, बिल्कुल एक सा हो गया, ये रेडी है। अब इसके ऊपर हम हरी मिर्चें कट करके डालेंगे, आप बारीक मोटी जैसा दिल चाहे, मैं तो ज़रा थोड़ी मोटी डालती हूँ कटिंग करके, जैसे आपकी मर्ज़ी आप डालें, और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद इसको डिश आउट करेंगे। रेडी है हमारा कीमा, हमने इसके ऊपर हरा धनिया और नींबू गार्निशिंग करी है, शीर माल के साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आएगी, दुआओं में।